तो अभी हम ट्राई आउट करते हैं ये वेस्कॉट एंड लेट्स सी कौन सा हमें अच्छा लगता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबको लेकर चलने वाला दिमापुर, और मैं जा रहा हूँ दिमापुर नागालैंड हैंडलूम स्टोर पे, जहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेडिशंस, नागा ट्रेडिशंस के कपड़े वगैरह मिलती है। तो बहुत अमेजिंग डील होगी एंड बहुत चीप रेट पे वहाँ पे मिलती है नागा ट्रेडिशन अटायर्स वगैरह। तो ब्लॉग पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, शुरू करते हैं आज ब्लॉग और आपको लेकर चलते हैं दिमापुर। तो आज हम जा रहे हैं ऑटो में, और चुमकीरिमा से दिमापुर जाने का 60 रुपीस चार्ज देते हैं ऑटो में। तो बस का इंतज़ार करना पड़ता है बहुत समय तक, जिस वजह से आज बस में नहीं जा रहे। आज हमने ऑटो का वो चुना है ट्रैवलिंग, तो आज हम जा रहे हैं और आपसे पहुंचने के बाद मिलते हैं। और ये देख सकते हो रास्ते, पब्लिक कॉलेज सामने यहाँ पे देख सकते हो। So this is the flyover bridge and this is one of the dirtiest bridge I have ever seen. तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। एंड अभी हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जा रहे हैं हम। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अगस्त के महीने में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हो रेलवे ट्रैक एंड वहाँ पे है स्टेशन, दैट इज स्टेशन। एंड अभी एंड यहाँ पे ना बहुत ही गर्मी है, गर्मी पसीना पसीना हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा कीचड़ है, ये हांगकांग मार्केट एरिया के जाने के रास्ते में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है एंड यहाँ से शुरू होती है हमारी रेलवे गेट दिमापुर। तो यहाँ से शुरू होती है मार्केट कपड़ों की, दिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे देख सकते हो जगह जगह पे दुकान वगैरह है। और यहाँ पे फल की दुकान वगैरह, यहाँ पे नागा प्लेट्स, और ये देख सकते हो नागा प्लेट। और यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे देख सकते हो शॉल्स वगैरह की शॉप्स वगैरह है। तो यहाँ पे ना लाइन से शॉप्स वगैरह लगे हुए, जहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह है, कपड़े है, शूज़ है, बहुत कुछ है जो आप लोग ले सकते हो। एंड काफ़ी कम प्राइस में यहाँ पे मिलती है, काफ़ी बार्गेनिंग कर सकते हो। अगर आपको प्राइस अच्छा नहीं लगता तो वो लोग अच्छे प्राइस में दे देते। तो यहाँ पे ना आपको 100 रुपये में ये मार्केट में 100 रुपये में आपको पेंस वगैरह मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप ये आर्टिकल, ये जीन्स पेंस 100 रुपये में, लाइक इट्स नॉट बैड क्वालिटी वाइज, इट्स नॉट बैड। 100 रुपये में आपको मिलेगा ये सब चीज़। तो ये मार्केट में ना काफ़ी ज़्यादा सस्ती कपड़े मिलते हैं दिमापुर एरिया में, और इस पोर्शन में लाइक ये नॉन एज हाजी पार्क भी बोलते बहुत लोग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100 रुपये में कपड़े। तो बहुत सारे हैं, तो आप लोग चूज करके लेके जा सकते हो। एंड ये एक बेकरी के पास ही है, यहाँ से आप अगर एंटर करते हो तो बेकरी के पास आपको ये मिल जाएगा स्टॉल। तो यहाँ से लेके जाना ज़रूर, एंड डोंट फॉरगेट। तो हम आए हैं इस शॉप पे लेने के लिए नागा वेस्टकोट्स एंड ऑल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है अंगामी कल्चर ट्रेडिशन वेस्टकोट, और यहाँ पे ये है आओ
आपका तो पता ही है, ये है आव, ये आव का हमारे पास भी है घर पे, और ये है लोथा लोथा, और इतु नजर तो किसे चका संगना हुए जिलांग। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक दो तीन और चार, चार कल्चर्स के यहाँ पे आर्टिकल हैं। एंड ये है, ये है कोन्याक, छोटा सा छोटा है, और भी अगर हो तो दिखा दीजिए भैया। और ये भी कोन्याक का ही है बड़ा का, अरुणाचल नागा तो अरुणाचल। तो हम आए हैं इस शॉप पे, एंड ये शॉप का नाम क्या है, मणिपुर हैंडलूम। तो मणिपुर हैंडलूम पे काफ़ी वैरायटी शॉल चादर वगैरह आपको मिल जाएगा अलग तरह की, और यहाँ पे वुलन भी मिल जाएगा एंड ट्रेडिशनल नागा भी मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ हाजी पार्क में आना और मणिपुर हैंडलूम पे ज़रूर आना और लेके जाना, यहाँ से लेके जाना। तो अभी इनमें से ट्राई करते हैं एक या दो, लेट्स सी। तो अभी हम ट्राई आउट करते हैं ये वेस्टकोट एंड लेट्स सी कौन सा हमें अच्छा लगता है एंड हम कौन सा लेते हैं। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो पहले ये ट्राई करें, ये कौन सा वाला है, जिलियन जिलांग। तो जिलियन जिलांग ये थोड़ा मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, दिस इज द फिटिंग लुक लाइक्स एंड इसमें काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, लाइक वर्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। तो ये कैसा लग रहा है आप बताना कॉमेंट करके। तो एक एक करके ट्राई आउट करते सब। तो अभी दूसरा ट्राई आउट करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा आर्टिकल, दैट इज लोथा, एंड इसकी बैक भी बहुत अच्छी काम किए हुए है, देख सकते हो आप। तभी ये पहनते हैं, तो ये पहन के ट्राई आउट करने में बहुत मुश्किल हुआ है। तो ये देख सकते हो बैक से ना, ये पूरा ऐसा लगता है, ये काफ़ी अच्छे काम किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रंट से आप देख सकते हो इसका लुक ऐसा है। तो ये भी कैसा लग रहा है आपको हमें डाउन करके बताना, एंड इसमें भी काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, लाइक एवरीथिंग इज वेल डिटेल्ड। तभी हम अपना तीसरा स्टार्ट करते हैं, लाइक ये है हमारा तीसरा, ये है आओ ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो ये इनका बैक में भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और ये देख सकते हो फ्रंट में। तब इसको पहन के देखते हैं। तो मेरे को पर्सनली ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आउट ट्राइब का बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं। तो ये ट्राई आउट करते हैं। तो ये देख सकते हो इसका लुक, पीछे से ऐसा ऐसा लग रहा है, और सामने से ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वगैरह किए हुए हैं। तो अच्छा ही है, ये भी अच्छा है। और अभी हमारा फाइनल जो है वो करते हैं, ये है कौन सा, अंगामी, ये है अंगामी ट्राइब। और इसके बैक में देख सकते हो आप ऐसी वो है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इसको भी ट्राई करते हैं। तो देख सकते हो आप इसकी भी फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड काफ़ी अच्छी वर्क यहाँ पे की हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क, और बैक में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क है। तो अभी इनमें से कौन सा लेते हो आप सबको ब्लॉग पर बता दो अंत में। तो इसको अभी यहाँ बंद करते हैं। तो हमने ले लिया है जो लेना था यहाँ से। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना ये शॉप, एंड ये फ्रूट स्टॉल के सामने लगता है ये शॉप, तो ज़रूर विज़िट करना। एंड अभी हम चलते हैं दूसरी साइड्स पे। तो यहाँ पे ना लाइन पे लगा हुआ है, एंड ये पहला ही दुकान है आपको मिल जाएगा हैंडलूम का। तो यहाँ लाइन से आपको दुकान वगैरह मिल जाएगा जहाँ से आप ले सकते हो हैंडलूम के चीज़ें। यहाँ से देख सकते हो, जा सकते हो, एंड काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पे। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं हांगकांग के, एंड हमारा फेवरेट शॉप, दिस इज K16 हांगकांग मार्केट। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे टी शर्ट्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हो दिस पोलो टी शर्ट। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हम यहीं से करते हैं। तो ये देख सकते हो ये आर्टिकल अच्छा लगा है, तो ये ट्राई आउट करते हैं। तो
तो मेरे को जो पसंद आया मैंने वो ले लिया। तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करना के 16 हांगकॉन्ग मार्केट। तो यहाँ से देख सकते हो बैग ले लिया, तो निकलते हैं यहाँ से भी। हमारा तो हो चुका है आज शॉपिंग यहाँ पे। तो आप सबको ये वाला व्लॉग कैसा लगा मेरे को कमेंट डाउन करके बताना। एंड आप सबसे मैं मिलता हूँ अगली सी व्लॉग पे। तो सी यू देन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।